यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली में भारत समाज रत्न अवार्ड 2018 का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मुख्य अतिथि के रूप में खासतौर से पहुंचे और इसी समारोह में खबरें अभी तक को बेस्ट रीजनल चैनल के अवार्ड से सम्मानित किया गया। जी हाँ, जिसमें खुद खबरें अभी तक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विशाल गर्ग जी अवार्ड लेने पहुंचे और दिल्ली में इस समारोह का आयोजन किया गया। भारत समाज रत्न अवार्ड 2018 का आयोजन किया गया दिल्ली में और खासतौर से यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और खबरें अभी तक को बेस्ट रीजनल चैनल का अवार्ड इस समारोह में दिया गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने खुद ये अवार्ड खबरें अभी तक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विशाल गर्ग जी को दिया। खासतौर से वहां वो पहुंचे थे समारोह में शिरकत करने के लिए और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी वहां खासतौर से पहुंचे थे। आपको बता दें कि दिल्ली में भारत समाज रत्न अवार्ड 2018 का आयोजन हुआ, जहां पर खबरें अभी तक को इस अवार्ड से नवाजा गया, यानी कि बेस्ट रीजनल चैनल के अवार्ड से खबरें अभी तक को नवाजा गया है। ऐसे बढ़ चल करके हमारा हौसला बढ़ाते रहे। बिल्कुल, वैसे तो चीते साहब मर्तबे इश्क का ये अंदाज निराला निकला, उसको छुट्टी नहीं मिलती जिसने सबक याद किया, लेकिन बहरहाल आप पर जिम्मेवारियां बहुत हैं। विशाल गर्ग साहब, खबरें अभी तक रीजनल न्यूज चैनल हरियाणा और एनसीआर को कवर करता है, उसके एमडी हैं, तो बेस्ट रीजनल चैनल के लिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। बहुत स्टोरीज ऐसी कवर की उन्होंने। शाह जमाल साहब, आपसे भी गुजारिश है कि जल्दी से स्टेज पर आ जाएं और अलाउद्दीन अब्बासी साहब, आपसे भी मेरी गुजारिश है पुरजोर तरीके से कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। विशाल गर्ग साहब एमडी हैं, खबरें अभी तक न्यूज चैनल के, दिल्ली और एनसीआर को बड़े बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। ऐसे बढ़ चल करके हमारा हौसला बढ़ाते रहे। जी बिल्कुल, वैसे तो चीते साहब मर्तबे इश्क का ये अंदाज निराला निकला, उसको छुट्टी नहीं मिलती जिसने सबक याद किया, लेकिन बहरहाल आप पर जिम्मेवारियां बहुत हैं। विशाल गर्ग साहब, खबरें अभी तक रीजनल न्यूज चैनल हरियाणा और एनसीआर को कवर करता है, उसके एमडी हैं। तो भारत समाज रत्न अवार्ड 2018 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में और बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी वहां पहुंचे थे। खबरें अभी तक को बेस्ट रीजनल चैनल का अवार्ड दिया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने खुद इस अवार्ड को खबरें अभी तक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विशाल गर्ग जी के हाथों में दिया और खबरें अभी तक को और उसकी पूरी टीम को सम्मानित किया। बहुत ही कम समय में ये मुकाम हासिल करने वाला खबरें अभी तक जो है, हम कह सकते हैं कि अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत समाज रत्न अवार्ड 2018 का आयोजन हुआ दिल्ली में, जहां बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे और खास बात यह रही कि भारत समाज रत्न अवार्ड 2018 के समारोह में खबरें अभी तक को बेस्ट रीजनल चैनल का अवार्ड दिया गया। तो अपने आप में एक बड़ी बात है, कम समय में इस मुकाम को हासिल करना, काफी मशक्कत लगती है, मेहनत लगती है और एक जो जुझारूपन दिखाना पड़ता है वो पूरी टीम ने मिलकर के दिखाया, जिसका नतीजा आज दिल्ली में देखने को मिला और खबरें अभी तक को बेस्ट रीजनल चैनल का अवार्ड दिया गया।
और इस अवार्ड को देने के लिए खासतौर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे हुए थे, जो कि मुख्य अतिथि थे उस समारोह के, उस आयोजन के। और खबरें अभी तक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विशाल गर्ग जी ने इस अवार्ड को लिया।